हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज पूजा रॉय एंड गेस व्हाट, मैं उदयपुर में हूँ। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर द फूड ऑफ उदयपुर एंड द फर्स्ट प्लेस इज नटराज होटल। ये अपने थाली के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये है भिंडी की सब्जी, आलू की सब्जी, दाल, राजमा, मटर पनीर, दही, गुलाब जामुन, सलाद, पापड़ और चटनी, गरम गरम रोटियां और पकौड़े। मटर पनीर ट्राई करते हैं। मटर पनीर इज स्लाइटली मीठा, थीम का टेस्ट आ रहा है। टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है, नॉर्मल मटर पनीर से बिल्कुल अलग है। अभी अभी वड़ा आया, वड़ा टेस्ट करते हैं। दाल का वड़ा है, इसका भी टेस्ट अच्छा है, थोड़ी स्लाइटली मीठा है। लेट्स ट्राई राजमा। राजमा इज गुड। रोटियाँ एकदम घी में लगा के ला रहे हैं। ये दाल मीठी दाल है, दाल मीठी है बट अच्छी लग रही है। अरे यहाँ बिहार में एक चटनी बनती है टमाटर की, वैसा टेस्ट आ रहा है दाल में, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। आलू की सब्जी, आलू सब्जी इज गुड, लिटरली गुड। भिंडी की सब्जी, ये भी अच्छी है। मैंने दोबारा लिया आलू और भिंडी। ये जो दही है आई थिंक इसी में जमाते हैं। लेट्स ट्राई गुलाब जामुन, काफ़ी सॉफ्ट है और अच्छा है, ज़्यादा मीठा भी नहीं है। ओवरऑल ये थाली मुझे बहुत अच्छी लगी, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं चूज़ नहीं कर पा रही थी मुझे कौन सा सबसे अच्छा लगा, बट आलू की सब्ज़ी मुझे सबसे अच्छी लगी। रेस्टो का नाम है नटराज होटल, इस रेस्टो में बस थाली मिलती है। प्राइस है इसका 200 और अनलिमिटेड है, बहुत ही कमाल की थाली। सर्विस बहुत अच्छी है यहाँ पे और स्टाफ तो बहुत ही अच्छा है। ये प्लेस मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, जब भी आप उदयपुर आए तो इस रेस्टो में ज़रूर आए। एंड द नेक्स्ट प्लेस इज साईं बाबा पराठा सेंटर। ये अपने पराठे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके ऊपर अमूल का बटर डालोगे आप? तो ये देखिए, ये पराठे एकदम प्योर देसी घी में तले जा रहे हैं और सर्व करने के टाइम पे भैया बता रहे कि अमूल बटर भी यूज़ करते हैं ऊपर से। यहाँ पराठे को सेका नहीं जाता, तला जाता है, वो भी एकदम देसी घी में बिना मिलावट के। कितने बजे खुल जाता है सुबह में? और इसके साथ कुल्लड़ में लस्सी सर्व करते हैं। ये देख सकते हैं आप लस्सी कितनी गाढ़ी है। ये मलाई, रू अफ़ज़ा, भी देखा कि पराठे इन्होंने घी में तल के बनाए और ऊपर से बटर भी डाला है, वो भी अमूल का। साथ में दाल भी है और दही, चटनी दी है, टमाटर लहसुन की चटनी है। बटर लगा के खाते हैं, चटनी साथ ट्राई करते हैं। गरम गरम है एकदम, काफ़ी क्रिस्पी है पराठा, तलने की वजह से एकदम क्रिस्पी हो गई है। अंदर काफ़ी सारा फिलिंग भरा हुआ है, एकदम माल भरा हुआ है। पराठा बहुत पतला है और अंदर
जो आलू भरा है उसकी वजह से वो मोटा हो गया है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है एकदम मसालों का। ओवरऑल बहुत ही अच्छा है सब कुछ। लस्सी की मेकिंग तो आपने देखी है, ऊपर से मलाई और रूह अफ़ज़ा डाला है। इन्होंने बताया कि रूह अफ़ज़ा हल्दी घाटी से आता है। अच्छी है लस्सी, काफ़ी रिफ्रेशिंग भी है। द नेक्स्ट प्लेस इज मूमल चिकन कॉर्नर। ये एक टेक अवे आउटलेट है और वेराइटीज देख सकते हैं आप, चिकन मटन और पनीर के काफी सारा वेराइटी है। मैंने ऑर्डर किया था चिकन काली मिर्च और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, माउथ वाटरिंग है एकदम। ये बहुत ही अच्छा आ रहा है, चिकन एकदम सॉफ्ट है, अंदर तक फ्लेवर गया है उसमें। लेट्स टेस्ट तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन भी बहुत ही अच्छा है, अंदर तक फ्लेवर गया है एकदम। चटनी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चिकन काली मिर्च और तंदूरी चिकन दोनों बहुत ही अच्छा लगा। आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्लेस। सो नेक्स्ट प्लेस इज साई सागर कॉफी हाउस। फतेह सागर लेक के ठीक सामने है ये। कॉफी इज रियली नाइस आल्सो। ड्रिंकिंग कोल्ड कॉफी विद दिस व्यू इज मस्ट।